अब नजर डालेंगे एग्री कमोडिटीज के ऊपर, जहां नॉन एग्री कमोडिटीज में उठापटक देखने को मिली है, तो वहीं आज एग्री कमोडिटीज गिरावट के बाद सारी कमोडिटीज आज हरे रंग के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से आज एग्री कमोडिटीज के अंदर रौनक लौटती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले नजर डालें अगर कैस्टर सीड पर, तो कैस्टर सीड लगातार लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं कि एक रेंज में कारोबार करता दिखाई दे रहा है, और वो रेंज अभी भी बरकरार है, और आज भी मार्केट जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जून वायदा की एक्सपायरी के चलते बाजार स्थिर हो चुका है, और वहीं जुलाई वायदा अभी भी 7,750 के स्तरों पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि अगर जुलाई वायदा 7600 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो उसके ऊपर आपको 7800 से लेकर 8000 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर देखें विनोला खल की बात की जाए, तो विनोला खल में भी आने वाली तेजी अब थमती दिखाई दे रही है। एक बार फिर से कल की तेजी के बाद बाजार हल्के से गिरावट की तरफ है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है हरे रंग के साथ, लेकिन यहां पर तेजी एक सीमित मात्रा में हो सकता है कि देखने को मिले 2900-2920 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है कि यहां से देखने को मिले। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो वीक दिखाई देता है, हमें लगता है कि विनोला खल आने वाले दिनों में 2700-2600 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसके अंदर जो भी तेजी बनती है उसमें बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है। वहीं अगर बात करें मसाले पैक की, तो मसालों के अंदर भी आज रौनक लौटी है, जहां धनिया कल गिरावट दिखा रहा था, धनिया में भी तेजी आई है, जीरे में भी खरीदारी देखने को मिली है, और वहीं हल्दी भी अब ऊपरी स्तरों पर कारोबार करती हुई दिखाई दी है। लगातार इसी बुलेटिन के माध्यम से हमने बताया है कि मसालों के अंदर खरीदारी करके चले, आने वाले दिनों में मसालों में एक तेजी का रुझान बन सकता है, और अभी भी यहां से एक्सपेक्टेड है कि मसाले अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले बात करें धनिया की, तो धनिया में 12,000 के टारगेट के लिए इसमें बाय किया जा सकता है। वहीं जीरा भी 21,500 से लेकर 21,800 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर हल्दी की बात की जाए, तो हल्दी में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जुलाई वायदा की बात करें, तो 8,500 से लेकर 8,800 का स्तर जुलाई वायदा में भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर देखा जाए ग्वार के अंदर भी आज खरीदारी देखने को मिली है, लगातार गिरावट दिखाने वाली ग्वार एक बार फिर से तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ग्वार के अंदर बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ग्वार सीज की अगर बात करें, तो 5,700 के आसपास एक अच्छी खरीदारी जो है हमने आती हुई देखी है जून वायदा में। हम जुलाई की बात करें, तो 5,900 के पार है, इसमें अभी भी बाइंग किया जा सकता है, और हम एक्सपेक्ट करें कि जुलाई वायदा 6,100 से लेकर 6,200 तक ऊपर जा सकता है। गम में तेजी है, गम भी 12,000 तक के स्तरों के लिए बाइंग की तरफ जाया जा सकता है। करेक्शन के अंदर ग्वार के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। तो अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें, तो सभी एग्री कमोडिटीज में फिलहाल तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉटन में आज खरीदारी लौटी है। कपास की अगर बात करें, तो कपास के अंदर आज हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट जो है सस्टेन होता नजर आ रहा है। यहाँ पर 46,000 से लेकर नीचे में 45,000 की रेंज फिलहाल कॉटन के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इसी दायरे में फिलहाल कपास के अंदर कारोबार देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसके लिए इसके अंदर खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि कॉटन के अंदर आगे चलकर बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर बात करें खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में भी मार्केट जो है ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी जो लुढ़की थी वो उसमें फिर से राहत मिलती हुई दिखाई दी है। खाद्य तेलों की कीमतों में थोड़ी सी तेजी एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दी है, और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कीमतों में गिरावट बढ़ सकती है। इनफैक्ट खरीदारी जो है वो सीमित मात्रा में देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि सरकार ने क्रूड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस पर जो छूट का ऐलान किया था, उसका असर मार्केट पर फिलहाल आता हुआ दिखाई दिया था, और अभी के लिए भी मार्केट जो है ऊपरी स्तरों पर फिसलती हुई नजर आ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। एमएसपी के साथ ही आपको बता दें कि कुछ एक कमोडिटीज हैं जिसकी एमएसपी को बढ़ाने को लेकर बातें देखने को मिल रही हैं, खबरें निकल कर आ रही हैं कि एमएसपी बढ़ सकती है कुछ एक कमोडिटीज की, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो है एक्सपेक्टेशन है कि एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको बता दें कि एग्री कमोडिटीज के अंदर आज सभी कमोडिटीज के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि 17 फसलें ऐसी हैं जिसमें सरकार एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे, सरकार ने इम्पैक्ट मंजूरी जो है वो दे दी है। आपको बता दें कि 8 जून यानी कि कल 2022-23 में खरीफ सीजन के लिए 17 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को फिलहाल मंजूरी दे दी गई है। और इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि काफी फसलें ऐसी हैं जिनकी एमएसपी अब बढ़ाई जा सकती है, और 15-20 जिनकी एमएसपी में बढ़ोतरी 15-20% के आसपास की जा सकती है। और आपको बता दें कि एमएसपी
बढ़ाने का मेन कारण ये है कि सरकार चाहती है कि किसान जो है फसलों की तरफ उनका रुख बढ़े और इन फसलों की प्रोडक्शन में तेजी लाई जा सके। आपको बता दें कि धान के अंदर MSP में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं ज्वार के अंदर 232 रुपए की, जबकि बाजरा में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और रागी के अंदर भी 201 रुपए की और मक्का में 92 रुपए की बढ़ोतरी की मंजूरी मिल चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो ये बढ़ोतरी की गई है इससे किसानों का रुझान फसलों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं तुअर की MSP में भी 300 रुपए प्रति क्विंटल तो मूंग की MSP में 480 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उड़द की MSP में भी प्रति क्विंटल 300 रुपए तो मूंगफली की MSP में प्रति क्विंटल 300 रुपए की तेजी की बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। वहीं सनफ्लावर के अंदर भी 385 रुपए की बढ़ोतरी की है, सोयाबीन के MSP में भी बढ़ोतरी की गई है 350 रुपए की और तिल के अंदर भी 523 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कॉटन की MSP को भी बढ़ा दिया गया है और 354 रुपए कर दिया गया है और कॉटन लॉन्ग स्टेपल जो आती है उसके MSP में भी 355 रुपए की बढ़ोतरी फिलहाल सरकार की तरफ से अनाउंस की गई है। तो ऐसे में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार का एक ये कदम किसानों की ओर, ताकि MSP बढ़ने से किसानों को अच्छा प्राइस मिल सके और वो फसलों को की सोइंग की तरफ अपना रुझान बढ़ाते हुए दिखाई दे। और लेकिन वहीं अगर आप लौटे बाजारों के अंदर तो बाजारों में आज काफी हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज अगर एग्री कमोडिटीज के अंदर इंट्राडे स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो इंट्राडे में आज लग रहा है कि मसाले अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मसालों के साथ साथ आज ग्वार में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ग्वार गम की बात करें तो आज ग्वार गम जुलाई वायदा 11,800 तक ऊपर जा सकता है, तो वहीं ग्वार सीड जुलाई वायदा 6,000 तक के स्तर को 1-2 ट्रेडिंग सेशन में छूते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन कमोडिटीज के अंदर फिलहाल खरीदारी करके चला जा सकता है।